नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे तेज न्यूज। खबर यूपी के मऊ जनपद से है। कोपागंज थाना क्षेत्र के ग्राम सभा भदसा मानोपुर में बुधवार की सुबह एक बगीचे में ढके हुए कुएं की छत के अचानक टूट जाने से तीन मासूमों सहित दो बुजुर्ग गहरे पानी में गिर पड़े। आनन फानन में मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने रस्सी के सहारे कुएं में उतरकर तीन मासूमों व एक रिटायर्ड शिक्षक को तो बचा लिया, लेकिन पांचवें व्यक्ति का पता नहीं चला। पुलिस ने 4.5 घंटे के बचाव अभियान के बाद किसी तरह पांचवें व्यक्ति को बाहर निकाला, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। इस पूरे घटना में राकेश चौरसिया की मौत हो गई। इस दौरान आप तस्वीरों में देख सकते हैं बचाव अभियान के दौरान किस तरह से भीड़ जुटी रही। वहां पर पुलिस अधिकारी पहुंचे और पूरे घटना के बाद इलाके की भीड़ जुट गई। इस पूरे मामले पर सीओ घोसी ने क्या कुछ कहा, ये आपको सुनाते हैं। आप देख रहे हैं मऊ ब्यूरो रिपोर्ट। पर ये भदसा मानोपुर में किस तरह की घटना घटी है? ये भदसा मानोपुर में जो थाना कोपागंज लगता है, आज सुबह 5 लोग बैठे हुए थे, क्योंकि सीमेंट का उसकी पटिया थी वो अचानक भरभरा के टूट गई, जिसमें 5 लोग कुएं में गिर गए। उसने रेस्क्यू करके 4 लोग को बचाया चुका है, लेकिन एक व्यक्ति अभी भी कुएं के अंदर ही दबा हुआ है, इसलिए रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है इस समय। ये कब तक मिलने की आशा की जा सकती है? पानी निकाला जा रहा है अभी, लगभग लग जाएगा 1-1.5 घंटा लग जाएगा। पानी बहुत ज़्यादा है, कहीं ना कहीं अंदर से उसका रसद तल से मिलाने से पानी निकाल रहे हैं, लगभग बढ़ भी रहा है, तो समय लगेगा इसमें। तो क्या सर बचने की उम्मीद जताई जा सकती है या नहीं? बचने की तो अब कोई उम्मीद नहीं लग रही है, बस ये क्योंकि बॉडी सुरक्षित निकालना हम लोग का ड्यूटी है, काम कर रहे हैं।